मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बजहरी सियासी जंग को लोग क्या नाम देंगे? दोनों सियासी जमातों का एक दूसरे पर कीचड़ और छाड़ना किस चीज का इशारा है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लाहौर से अतीक मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे डिजिटल न्यूज। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपस में अब सियासी जंग का आगाज होता नजर आ रहा है, उनका ये किस चीज़ का नाम देंगे आप? ये तो बस शुरू से यही देखते आ रहे हैं, जब मौका आता इकट्ठे हो जाते, जब मौका ख़त्म होता रहता हो जाते हैं। कोई भी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीटीआई हो, कोई भी हो, जब कुछ सख्त में फंस जाए ना, तो फिर एक दूसरे से हाथ में, जब ख़त्म हो जाए तो फिर अलग अलग। कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो अभी की सियासी जंग है, इसको आप क्या नाम देंगे? क्या नाम दें? कुछ भी दे सकते हैं आप। मैं तो कहता हूँ भाईचारा होना चाहिए, मुल्क की खातर, बकाया जो मर्जी करें। सर जी, ये अभी से थोड़ी है, ये तो जब इनके अपने मफादात की जंग होती है तो तब ये आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, और जब इनको लगता है कि कोई तीसरा बंदा आके हमारे मफादात पे सौदाबाजी कर रहा है तो फिर ये सारे मिलके उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो ये बज़ाहिर ये ना जंग है ना कुछ है, ये एक्टिंग है आवाम को बेवकूफ़ बनाने का, कोई नया तरीकाकार लाया जाए मार्केट में, क्योंकि इस वक्त कोई बयानिया नहीं है। नवाज शरीफ प्लान आके फेल हो चुका है, जरदारी को वैसे ही लोग जानते हैं कि वो कैसा आदमी है या उसकी सियासत का महवर क्या है। जंजालपुरा, इसे अच्छा नाम नहीं मैं दे सकता, क्योंकि जंजालपुरा ही चल रहा है, जो चल रहा है जंजालपुरा ही चल रहा है। सब के अपने अपने मुफाद हैं, अवाम का इसमें किसी को कोई सोच ख्याल नहीं है, जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, सब के अपने अपने मुफाद हैं, मुल्क का कोई नहीं सोचता, अवाम का कोई नहीं सोचता। नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासी जंग को क्या देखते हैं, क्या नाम देंगे? ये जी देखें, पहले जब ये पीडीएम में थे तो इत्तफाक था इनमें आपस में, ठीक है। अब ये जो एज अ पार्टी आए हैं बिलावल साहब, ठीक है, और जैसे नवाज शरीफ साहब आए हैं वतन वापस, तो ये एक दूसरे पे कीचड़ उछालेंगे, ठीक है। पहले ये इकट्ठे थे, ठीक है, कि बिलावल भी इकट्ठा था पीडीएम में, तो मौलाना साहब भी इकट्ठे थे, ये नवाज शरीफ साहब ये पाकिस्तान वापस आए हैं, तो अब जब बिलावल साहब हैं वो इन पर अपने के तीर बरसा रहे हैं, वो अपनी सियासत चमका रहे हैं, इन्होंने अपनी सियासत चमकानी है। इन दोनों की सियासी जंग को क्या नाम देंगे? एक उनके देखें, जो कीचड़ में पत्थर मारेगा ना, कीचड़ उसी पे पड़ेगा, तो बस कहना यही चाहूँगा कि कुछ भी नहीं कह सकता इन दोनों के मैं बारे में, कुछ भी नहीं कह सकता, दोनों एक तरह की हैं, समझ लें आप। नून लीग और पीपल्स पार्टी की आपस में सियासी जंग चल रही है, क्या देख रहे हैं इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कोई वजह नहीं है, पीपल्स पार्टी का तो स्टेक ही कोई नहीं है, 15 सालों में जो है उसने सिंध का हाल किया वो सबके सामने। अब तो वहाँ के लोग चाह रहे हैं कि नून लीग आए। सिंध और पंजाब का आप कंपैरिजन कर लें कि पंजाब जो है वो क्या कहाँ तरक्की कर गया, और सिंध के लोग अब भी पानी को तरस रहे हैं। तो आप जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की आपस में सियासी जंग है, इसको आप क्या नाम दें? नहीं, सियासी तो देखें, सियासत में तो इख्तलाफात होते ही हैं, ये तो दो टू पार्टी सिस्टम है, होना भी टू पार्टी सिस्टम चाहिए। थर्ड पार्टी तो एक वो हवा खड़ा किया गया था, वो अपनी मौत आप मर चुका है। सियासी जंग तो चलती रहती है पाकिस्तान में, सियासी जंग आपको पता है हर टाइम चलती रहती है। वो नून लीग पहले और पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी थे, अब आपस में फिर बयानबाजी कर रहे हैं? अब बयानबाजी इसलिए कर रहे हैं कि अब अलग अलग हो गए हैं, जाहिर है पीपल पार्टी को कई उनके जो मुफाद थे वो नहीं मिले, तो इस वजह से अब इन्होंने अलग होना है। सियासत में कभी अलग कभी साथ, ये तो चलता रहता है, आपको पता ही है, मुफाद के लिए अपना जो उनके होता है ना पर्सनल इंटरेस्ट, उसकी वजह से अगर वो चलता रहेगा तो वो साथ में, नहीं चलेगा तो वो अलग हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि साल दो साल बाद आपको दोबारा ये एक साथ इत्तेहाद में नज़र आएंगे, जब इनका पर्सनल इंटरेस्ट एक साथ होगा। तो सिर्फ सियासी चपकलश है और कुछ भी नहीं है, इन्होंने करना मुल्क के लिए तो ना पहले कुछ किया है ना अब करेंगे, ये बस फजूल ही है और कुछ नहीं है। सियासी इत्तेहाद जो माजी में था, अब इनका आपस में सियासी जंग लड़ गई है, इसको किस तरह देख? मेरे ख्याल में फातिमा जिना से लेकर सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं, तो आज तक सिर्फ मुल्क को तोड़ा ही है और तो कुछ नहीं किया। जनाजी ने अपने पब्लिक ओपिनियन जानी और सियासी जमातों के हवाले से और सियासी मंजरनामे पर हर किसी की अपनी राय, और इस राय को मजीद भी आप तक आगाह करते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए पाकिस्तान टुडे डिजिटल न्यूज़।